तरफ करते जिथे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोल रहे ने बधाइयां भी दित्तियां जा रही नीरज चोपड़ा होर और आप देश की सेवाओं के लिए आज आपको सरकारी नौकरी मिलने जा रही है। मैं आप सबको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपके चेहरे की चमक और मुस्कुराहट बहुत खुश है। कईयों का लंबा इंतजार, कईयों के बार बार प्रयास, कईयों का पहली बार में नंबर भी लग गया होगा, क्योंकि मैं जब टेरिटोरियल आर्मी में कमीशन ऑफिसर भर्ती होने के लिए गया तो मेरे साथ उस समय कई ऐसे युवा थे जो जिनकी छवीं सातवीं सातवीं बारी के वो ग्रुप डिस्कशंस में और बाकी सब में हमारे साथ आते थे। मैंने देखा कईयों को थोड़ा समय लगता है, कई पहली बारी में क्रैक कर जाते हैं, लेकिन कुल मिला के सबके मन में एक सपना होता है कि हमें माँ भारती की, भारत माता की सेवा करनी, हमें अपने देश को आगे लेकर जाना है। और वो जिम्मेदारी आज आप सबके कंधों पर आई है। मुझे पूर्ण विश्वास है ना केवल आप सरकारी नौकरी प्राप्त करने आए हो, आपके मन में सेवा भाव अवश्य होना है। ये केवल वर्दी पहनने का काम नहीं, ये केवल नौकरी पाने का काम नहीं है, ये तो एक अवसर है कि आप इस समाज में एक परिवर्तन ला सकते हैं और जो कमियां कभी आपने पहले देखी हो वो आज आप पूरा कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और इसको सरल और सुविधाजनक कर सकते हैं। और आज के युवाओं से तो बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज दुनिया जब भारत की ओर देखती है तो ये भी देखती है कि दुनिया के 800 करोड़ लोगों में से अगर एथलेटिक्स में जैवलिन का सबसे लंबी थ्रो 88.17 मीटर किसी ने फेंकी और गोल्ड मेडल वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में किसी ने आज जीता है तो भारत के नीरज चोपड़ा ने जीता है। और यही नहीं, पहले 6 खिलाड़ियों में 5वें और 6वें नंबर पर भी हमारे भारत के खिलाड़ी किशोर सेना और मनोदीप आए। ऐसे स्टीपल चेस में हमने अच्छा किया, 4x400 मीटर रिले में हमने अच्छा किया, पहले से बेहतर परफॉर्मेंस थी। हाल ही के दिनों में अगर कुछ वर्षों में अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा अभी हमारे रेस्टर्स वर्ल्ड चैंपियन बन के आए हमारे जो, और उसी के साथ अंडर 20 में वो, तो एशियन गेम्स हमने हॉकी में जीती, मेंस एंड वुमेन जूनियर हॉकी एशियन गेम्स हमने जीती, एशियन चैंपियनशिप जीती। और यही नहीं, इसके साथ साथ हमने आर्चरी में भी कंपाउंड में रिकॉर्ड परफॉर्मेंस दी है, अन्य खेलों में भी भारत शानदार कर रहा है। ये क्यों बदला? ये सोच बदली तो देश बदला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलों के प्रति अपनी जो इच्छा, जो उनके स्पोर्ट्समैन को बढ़ावा देने के लिए, उनको सुविधाएं देने के लिए, मोदी जी एक खेल प्रेमी भी हैं तो एक खेल प्रशासक के रूप में, खेल प्रमोटर के रूप में भी उन्होंने इसको बढ़ावा दिया। बजट 3 गुना ज्यादा कर दिया, टॉप से ऐसी योजनाओं को लेकर आए, खेलो इंडिया जैसी योजनाओं को लेकर आए और 23 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस देश में खुलवा दिए। और अब जो एक मांग और थी, 1000 खेलो इंडिया सेंटर एक वर्ष में हम इसी साल में पूरे देश भर में खोल कर दे देंगे और 1000 फॉर्मर चैंपियन एथलीट को नौकरी भी उसमें हम देने वाले हैं ताकि वो बाकियों को प्रशिक्षण दे सकें। ये भी भारत सरकार ने करके दिया है, हमारे खिलाड़ियों को एक के बाद दूसरी सुविधा मिल रही है। इसी तरह से ही हमारे चंद्रयान मिशन की अगर हम बात करें, जितनी कई बॉलीवुड की पिक्चरें 600 करोड़ रुपए में बनती, भारत ने 615 करोड़ रुपए में चंद्रयान मिशन को सफल कर दिया है जो दुनिया के और देश नहीं कर पाए। इसमें भी भारत के वैज्ञानिकों की, भारत के युवाओं का एक बहुत बड़ा योगदान, भारत के युवाओं का सामर्थ्य, भारत के वैज्ञानिकों का भारत से नजर आता है।
हमसे पहले केवल यूएस, चाइना और रशिया कर पाए थे, भारत चौथा देश बना, लेकिन साउथ पोल पे लैंड करने वाला भारत पहला देश दुनिया में बना है कि जिसने लैंडिंग जो है वो साउथ पोल पे, वहां पे विक्रम लैंडर की हुई है। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। भारत के लिए नई संभावनाएं खड़ी होती, नए अवसर खड़े होते हैं। स्पेस सेक्टर को अगर आज से 40 साल पहले खोल दिया होता, 30 साल पहले भी खोला होता, तो आज भारत के पास बहुत सारी संभावनाएं होती। आज प्राइवेट सेक्टर में हमारे युवा, ये हमने कोविड के टाइम पे स्पेस सेक्टर को खोला और मात्र 14-15 महीनों के अंदर भारत की प्राइवेट कंपनी ने अंतरिक्ष में रॉकेट भी छोड़ दिया सफल। 104 साथ में सैटेलाइट छोड़ने का काम भारत से होता है और इतने कम दाम पे होता है कि आज दुनिया भर के देश भारत की ओर देखते हैं स्पेस सेक्टर को लेकर। एक नया क्षेत्र हमारे लिए खुल रहा है जहां पर रोजगार की संभावनाएं होंगी।